एकेडमी स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में पढ़ेंगे अ सुपर ट्रिक टू फाइंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ इंटरहेलोजन कंपाउंड। इंटरहेलोजन कंपाउंड क्या होते हैं, सबसे पहले तुम ये भी देख लेते हैं कि इंटरहेलोजन कंपाउंड किसको कहते हैं। कहते हैं इंटरहेलोजन कंपाउंड व्हेन टू आर डिफरेंट हेलोजन्स रिएक्ट विद ईच अदर इंटरहेलोजन कंपाउंड्स आर फाउंड। कहते हैं कि दो या दो से ज़्यादा हेलोजन जो होंगे वो आपस में जब रिएक्शन करेंगे दोनों सेम भी हो सकते हैं, दोनों डिफरेंट भी हो सकते हैं, तो जो कंपाउंड बनते हैं हमारे पास उसको बोलते हैं इंटरहेलोजन कंपाउंड। व्हेन टू डिफरेंट हेलोजन, जब दो डिफरेंट हेलोजन आपस में रिएक्शन करें तो उनके नतीजे में जो कंपाउंड बनता है उसको हम बोलते हैं इंटरहेलोजन कंपाउंड्स। अब बात करते हैं कि इस तरह के जो कंपाउंड होते हैं इंटरहेलोजन, उनकी हाइब्रिडाइजेशन हम लोग किस तरह फाइंड कर सकते हैं। सपोज करते हैं हमारे पास पहला एक कंपाउंड है BrF3। सबसे पहले आपने क्या करना है, sp3 हर दफा लिखना है, sp3 ऐसे लिख लेना। उसके बाद देखना है कि जिसमें फ्लोराइड की तादाद ज़्यादा, दोनों में से जिसकी भी तादाद ज़्यादा होगी, इस हेलोजन की तादाद ज़्यादा हो जाए या इसकी हो जाए, जिसकी तादाद ज़्यादा ना उसको आपने लिखना है और उसको 2 पे डिवाइड कर देना है। 2 पे डिवाइड करने के बाद आंसर आता है 1.5। तो जो पॉइंट वाली वैल्यू होगी उसका लेफ्ट वाला जो डिजिट होगा ना, जैसे इसका 1 है, तो आपने क्या करना है, जितने ये आंसर आएगा ना उतने डी ऑर्बिटल्स ऐड कर देने। अब देखिए 1 है तो हम लोगों ने साथ में 1 डी ऐड कर दिया। अगर यहाँ पर आंसर आता 2 तो हम लोगों ने यहाँ पर D2 लिखना था, आंसर आता 3 तो हम लोगों ने यहाँ पर D3 कर देना था। तो इसका मतलब है कि BrF3 का हाइब्रिडाइजेशन जो है ना वो हमारे पास है sp3d। उसके बाद दूसरी एग्जांपल हम सॉल्व करते हैं, हमारे पास है ClF5। सबसे पहले उसी तरह हमने sp3 लिखना है, उसके बाद जिसकी तादाद ज़्यादा, जिस हेलोजन्स की F5 की तादाद ज़्यादा तो F5 लिखेंगे, इसको 2 पे डिवाइड करेंगे, आंसर आ गया 2.5। लेफ्ट वाला डिजिट क्या है, 2, मतलब कि आपने D2 ऐड करना है। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, ClF5 की होगी sp3d2। इसी तरह हम एक और नेक्स्ट कंपाउंड देखते हैं, नेक्स्ट कंपाउंड है ICl4-1, यानी कि आयंस की फॉर्म में है इंटरहेलोजन कंपाउंड। sp3 लिखा, उसके बाद Cl4 है, 4 लिखेंगे, इसको 2 पे डिवाइड करेंगे, कैंसिल करने से आंसर का 2, मतलब D2 ऐड कर देंगे। इसी तरह हम नेक्स्ट एक और एग्जांपल सॉल्व करते हैं, इसी लास्ट एग्जांपल हमारे पास IF5, इसकी हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करनी। sp3 वैसे लिख लिया, उसके बाद 7 लिखेंगे, उसको 2 पे डिवाइड करेंगे, आंसर आगे 3.5, यानी कि 3 वैल्यू है ये लेफ्ट साइड पर, तो उसका मतलब आपने ऐड क्या करना है, D3 ऐड करना है। तो इस तरह IF5 की हाइब्रिडाइजेशन क्या बनगी, वो बनगी हमारे पास sp3d3। तो ये आज की वीडियो, तो उम्मीद है सारे बच्चों को वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरा चैनल केमिस्ट्री अकेडमी सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें।